नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और मैं निखिल दुबे। बिहार सरकार पर बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है। बता दें कि एसटीईटी में घोटाले को लेकर बिहार सरकार पर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने जोरदार हमला किया है। उन पे धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है बिहार सरकार पे। शिक्षा मंत्री पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो भी अभ्यर्थी एसटीईटी से पास हुए थे। बता दें कि मामला यह है कि जो भी एसटीईटी में अभ्यर्थी पास हुए थे उनको नौकरी देने का वादा शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। हालांकि जब कल रिजल्ट आया है देर रात, उसके बाद उसमें मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। इन सभी बातों को लेकर के पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। बता दें कि एसटीईटी अभ्यर्थी जो भी हैं उनका यही कहना है कि इन सभी मुद्दों का जिम्मेदार पूरा पूरा बिहार सरकार है। बिहार सरकार के द्वारा लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने के लिए एसटीईटी अभ्यर्थियों ने उनके आवास पर पहुंचे हैं ये लोग और उनसे मिलने का समय लिया है। बता दें कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। हर एक मामले में बिहार सरकार की तरफ से लफड़ा देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई भी रिजल्ट हो, शिक्षक बहाली हो, बिहार पुलिस का हो, एसटीईटी का अभी जो रिजल्ट आया है इसमें भी धोखाधड़ी का इल्जाम सरासर लग रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि पक्षपात करने का इल्जाम भी लग रहा है सरकार की तरफ से। हालांकि सरकार के तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से 5 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, पर बातचीत में कोई हल नहीं निकला। उसके बावजूद छात्रों का, अभ्यर्थियों का हंगामा लगातार पटना में जारी है। कंट्री इनसाइड न्यूज भी लगातार सरकार से मांग कर रही है, अपील कर रही है कि जो भी एसटीईटी अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान से, उनके साथ सही बर्ताव किया जाए, उनके साथ इंसाफ हो। जिनको नौकरी देने का वादा किया गया था उन्हें नौकरी दिया जाए। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगर सरकार पे ऐसा बार बार इल्जाम लग रहा है, एसटीईटी अभ्यर्थियों का अभी भी हंगामा पटना में जारी है। सचिवालय रोड हो, चाहे कहीं भी हो, शिक्षा मंत्री के ऑफिस के बाहर हो, सभी कहीं ना कहीं को अब जो भी अभ्यर्थी हैं इनका भरोसा आरजेडी पर जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष पर जा रहा है, जिससे मिलने के लिए वे लोग उनके आवास पर पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हैं। आगे देखिए वीडियो में क्या कुछ है, कैसे अभ्यर्थी जाकर के धरना दे रहे हैं। कंट्री साइड न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका।